हम हैं राही प्यार के, हवा महल, कुछ बातें कुछ गीत, विविध भारती की रंगोली, ये हैं कुछ ऐसे रेडियो कार्यक्रम जिन्हें हर किसी ने एक ना एक बार तो जरूर सुना होगा। इन रेडियो कार्यक्रमों के जरिए हम आपको गुजरे जमाने के रेडियो की याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे लोग स्मार्टफोन के आगे भुला ही चुके हैं, लेकिन शौक तो शौक होता है। मिलिए उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रहने वाले राम सिंह से, जिनके पास 1100 रेडियो मॉडल्स का कलेक्शन मौजूद है, वो भी आजादी के कई साल पहले से लेकर 2010 तक का। मेरे पास ये रेडियो का कलेक्शन है, लगभग क्या डिफरेंट मॉडल 1100 हैं मेरे पास रेडियो, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो 625 का, ये 2005 का, और मेरे बराबर जो रेडियो का कलेक्शन पूरी इंडिया में क्या पूरे विश्व में नहीं है। राम सिंह ने बताया कि उनके पास सन 1920 से लेकर 2010 तक के रेडियो के मॉडल मौजूद हैं, वो भी अलग अलग देसी विदेशी कंपनियों के। मेरे पास सन 1920 से लेकर 2010 तक के मॉडल, विभिन्न मॉडल हैं। अच्छा, कौन कौन सी कंपनीज उसमें पुरानी चली थी? मार्कोनी फ़ोन है, इंग्लैंड बाहर की है, और ग्राउंडिंग है, वो भी इंग्लैंड की है, और अपनी कंपनियाँ ये मर्फी है, फिलिप्स हॉलैंड का है, ये सब जो विभिन्न जो सोनी कंपनी है जापान की है, पैनासोनिक कंपनी वो भी जापान की है, प्राइन के सभी काफ़ी अच्छे मॉडल मेरे पास है। ये चाहते हैं कि रेडियो का एक संग्रहालय स्थापित किया जाए, हालांकि उन्होंने इसमें अपना पहला कदम रखा जरूर है और एक छोटा सा संग्रहालय स्थापित भी किया है, लेकिन वो इसे उस स्तर का नहीं बना पाए हैं जैसा वो चाहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि रेडियो का संग्रह उन्होंने किया कैसे। ये वास्तव में पहले से ही करता रहा हूँ, लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 अक्टूबर 2014 से मन की बात उन्होंने शुरू की है, तब से मेरा रुझान इसकी प्रति बढ़ा और तब से मैं रेडियो संग्रह करने में लगा, और मैंने ये मन बनाया कि मैं पूरे देश में जगह तक घूमाऊँ, संग्रहालय हर चीज़ का है, लेकिन कहीं भी जो है रेडियो संग्रहालय अपने देश में नहीं मिलता है देखने को, इसलिए मैंने ये सोचा भाई ये तो हमारी बड़ी महत्वपूर्ण धरोहर रही है और इसका जो है कलेक्शन करना बहुत जरूरी, जिससे कि आने वाली पीढ़ियाँ और समाज ये सोच समझ देख सकें कि कभी ये भी उपकरण हुआ करता था। मैं दिल्ली, मेरठ, कानपुर, जहाँ भी मतलब किसी फ़ोन आ जाता है या दो चार रेडियो होते हैं, क्योंकि एक रेडियो ले जाने जाना नहीं पड़ता, वो इकट्ठे करते हैं, मेरे फ़ोटो भेजते हैं, मैं उन्हें चूज करता हूँ और या तो उनसे मंगा लेता हूँ पैसे करके, या फिर मैं खुद जाता हूँ। रेडियो के कलेक्शन में इनके पास कुली फिल्म में चलने वाला एमी थाईलैंड मॉडल का रेडियो भी है और गदर का टेलीफोन भी है। लंदन की वर्ष 1920 की केतली के साथ मुगल काल से पहले चलने वाले सिक्के और 900 से ज्यादा विभिन्न कंपनियों के रेडियो हैं। चाबी से चलने वाली घड़ी और जेब में रखने वाला टीवी भी संग्रहालय की शोभा बढ़ा रहा है।